देश के किसानों की बदहाली की खबरें आप बहुत सुनते और पढ़ते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो अपने इनोवेटिव आइडिया और आधुनिक तकनीक की मदद से खेती के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के किसान सुधांशु कुमार अपने आसपास के ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में किसानी और खेती का जिक्र आते ही किसानों की बदहाली और कम आमदनी का ख्याल हमारे मन में आता है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले के एक किसान ने न सिर्फ खेती को फायदे का प्रोफेशन बनाया बल्कि खेती से भी लाखों रुपए कमाई की जा सकती है, उन्होंने ये साबित किया। समस्तीपुर से 45 किलोमीटर दूर हसनपुर प्रखंड के नया नगर पंचायत के सुधांशु कुमार आधुनिक खेती के जरिए हर साल 80 लाख से ज्यादा की कमाई कर देश भर के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। बिहार में राजनीति के बाद जो खेती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा है, बहुत ही पसंदीदा पेशा है। इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं और ये कई एकड़ तक फैला हुआ ये जो फार्म हाउस है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। इसको काफ़ी विस्तार से हम दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि कितने तरह के इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, क्या क्या यहाँ खेती हो रही है। आप सब जानते हैं कि समस्तीपुर में बहुत ज़बरदस्त खेती होती है, मिट्टी बड़ी उपजाऊ है यहाँ की, अलग अलग तरह के जो सॉइल्स हैं इसमें पानी का जो स्तर है, वाटर का लेवल है, वो भी बहुत कम में आपको मिल जाएगा। 15 से 20 फीट में पानी मिल जाता है, पास में गंडक भी है तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बगीचा है इसको हम पार करेंगे और देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि खेती अगर व्यवस्थित तरीके से और प्रोग्रेसिव माइंड के साथ किया जाए तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। सुधांशु ड्रिप प्रणाली और माइक्रो स्प्रिंकलर की मदद से बगीचे की सिंचाई करते हैं, जिसकी वजह से लीची के बगान में निश्चित मात्रा में तापमान को बनाने में मदद मिलती है। 70 बीघे में लगे खेत की निगरानी, सिंचाई और खेत में लगे पौधों तक खाद पहुंचाने के लिए सुधांशु कुमार अपने खेत को वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ दिया है। खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसे स्मार्टफोन और लैपटॉप से जोड़कर सिंचाई प्रणाली की दुनिया भर में कहीं से भी नियंत्रित कर अपने खेतों को समय पर सिंचाई और खाद आधुनिक तकनीक से देते हैं। ये चारों टैंक है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड फर्टिलाइजर डलता है और ये इसको न्यूट्रीकेयर बोलते हैं। ये मशीन है जो जिस मात्रा में आप स्पेसिफाई कीजिएगा मशीन में, सो लेट्स से 4 ग्राम्स हमको देना है पर ट्री, तो ये उस हिसाब से मिक्स कर देगा पानी में। और वहाँ देखिए वो जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर, तो वो मेजर करता है एवरी लीटर ऑफ वाटर जो बाहर जाता है और वो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, उस हिसाब से कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर यहाँ लगा रखा है। हाँ, तो ये जो है अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में खाद को इंजेक्ट करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। 70 बीघे की खेती में 27,000 से ज्यादा फलों के पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें आम, लीची, अमरूद, केला, मौसमी, शरीफा, नींबू, जामुन, मीठी इमली, चीकू हैं। उन्होंने बताया कि खेती और किसानी को लोग मजबूरी का बिजनेस कहते थे, लेकिन अब ये घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। कि अब आप खेती को उस दृष्टिकोण से नहीं देखिए कि मजबूरी या बेचारों का ये धंधा है। हाँ। आप कभी, मैं आपके थ्रू मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि खेती में भी आमदनी हो सकती है और किसान बहुत आराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं उसके आमदनी से, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपके थ्रू कि आप आए। आज के समय में कम ही युवा खेती करना चाहते हैं, इनके पीछे उनके कई लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन सुधांशु इन युवाओं को न सिर्फ खेती में आने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि खेती को कैसे मुनाफे का बिजनेस बनाया जाए इसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन जैसे ही आप आम में शिफ्ट किए वो प्रॉफिट चला जाता है 80 to 1 lakh। अच्छा। आप लीची में शिफ्ट किए 125 to 1.5 lakh। आप बनाना में शिफ्ट किए 2.5 lakh। आप उसको राइपन करके बेचे 3.5 lakh। आप ड्रैगन फ्रूट में शिफ्ट किए 10 lakh rupees। 10 lakh rupees पर एकड़, हम सब प्रॉफिट बोल रहे हैं पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। सुधांशु की आधुनिक तरीके से खेती करने और उससे लाखों रुपए कमाने की आइडिया ने उन्हें देश भर में एक अलग मुकाम दिलाई है। आज उनके इस फार्म में न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के करीब 10,000 किसान
आधुनिक खेती का तरीका सीखने आ चुके हैं। लास्ट कोविड के एक साल पहले से अगर हम जुड़ रहे हैं तो लगभग 10,000 फार्मर्स विजिट कर चुके हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। समस्तीपुर के किसान सुधांशु कुमार को उन्नत तकनीक से खेती करने को लेकर कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 2010 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, बागवानी के लिए सोसाइटी से बेस्ट मैंगो ग्रोवर अवार्ड, द कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट के इंटरनेशनल कंसोर्टियम से रोल मॉडल अवार्ड, माधवी श्याम एजुकेशनल ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड से सम्मान, 2014 में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी सुधांशु कुमार की आधुनिक तकनीक की खेती करने की चर्चा सुनकर उनके खेतों का जायजा 2019 में ले चुके हैं। सुधांशु ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद केरल में टाटा डी गार्डन में सहायक प्रबंधक की एक नौकरी की, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा और नौकरी को छोड़कर गांव चले आए और खेती करने लगे। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज कर आईएएस बने, लेकिन सुधांशु ने अलग राह अपनाई और आज देश और दुनिया में अपनी खेती के लिए जाने जाते हैं। समस्तीपुर से न्यूज 18 बिहार झारखंड संवाददाता।